अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसे कि मैंने हमारी कम्युनिटी पोस्ट में एक मैसेज डाला था कि मैं आज वक्फ बोर्ड की जो भर्ती है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी फॉर्म भरे हैं अपने, तो उसके लिए जीके का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। हमारा जो ये वीडियो है, ये जनरल नॉलेज का जो वक्फ बोर्ड की भर्ती है उससे रिलेटेड जो है वीडियो है, जिसमें मैं बहुत से पॉइंट्स की जो है, बहुत से जो चीज़ें आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले तो हमारे जो है ये वीडियो देखते ही है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जनरल नॉलेज का जो है वीडियो आपको देखना जो है फायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले जो है ग्राम व्यवस्थापन प्रशासन या पंचायत राज से, इस चीज़ को पहले हम समझेंगे, इसके बाद में पॉइंट वाइज हर चीज़ जो है बताऊंगा। मैं टॉपिक चेंज करूंगा, हर टॉपिक को थोड़े थोड़े में मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करूंगा। मैं जहां पर भी जो चीज़ बताऊंगा कि ये एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, उसको आपको खुसूसन आपके दिमाग में जो है पॉइंट आउट करना है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो पंचायत राज है, ये पंचायत राज का जो सपना था ये किसका था, ये एक जनरली सवाल पूछा जाता है कि पंचायत राज है कोनाचे स्वप्न होते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देहातों की तरफ चलो, जो हमने डीएड में पढ़ा, तो पंचायत राज ये जो सपना था ये गांधी जी का था। अब पंचायत राज जो है ये एक, जिसको हम बोलेंगे एक सिस्टम है पंचायत राज, यानी जिसमें जो ग्राम प्रशासन से लेकर, तो जो हम एक जिसको बोलेंगे स्थानीय स्वराज्य संस्था जो जितने होते हैं उसको हम पंचायत राज कहते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, उसके बाद में जिला परिषद हो गया, ये एक टप्पा, और उसके बाद में नगर पालिका, महानगर पालिका, ये जो है ये खुद मुख्तारी इदारे हैं, यानी कि हम जिसको बोलेंगे स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं, इन्हीं को हम जो है पंचायत राज का हिस्सा मानते हैं। अब रही बात भारत में पंचायत राज की शुरुआत होने की, अब पंचायत राज का जनक जो माना जाता है, यानी कि मौज, पंचायत राज के जनक कोणाला मटले जाते हैं, ऐसा एक सवाल पूछा जाता है, तो पंचायत राज का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिन्होंने 1700 के जो है जो ईस्वी में 1700 समथिंग में उन्होंने इसकी स्थापना की थी विकेंद्रीकरण करने के लिए, यानी कि जिसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। मिसाल के तौर पे पंचायत राज की जो मकसद था उनका, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा कि भाई एक जिला लेवल है या एक कोई बड़ा स्पॉट है, स्टेट लेवल के काम किसी एक ही स्पॉट पे ना होने की बजाय वो पूरा जो है देहातों तक आए, इसलिए उसकी स्थापना की गई थी। अब ये पूछा जाता है सवाल, लॉर्ड रिपन ने की थी पंचायत राज की स्थापना। अब जो भारत है, भारत के अंदर जो पंचायत राज की शुरुआत हुई थी वो जो पंडित नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है, ये 100% जो है इंपॉर्टेंट, और कई सवाल, कई एग्जाम्स में ये सवाल पूछता है। ठीक है, इसके बाद में ये सवाल अपना जो है मराठी में रहेगा, ये बात याद रखो, हम वक्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको सवाल जो है मराठी में रहेंगे। तो अदर देन अगर वक्फ बोर्ड की तैयारी करने वाले कोई भी देख रहे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, अब बात आती है कि जो पंचायत राज का जो निम्न स्तर है, यानी कि सबसे छोटा जो स्तर है पंचायत राज का, जो सबसे छोटा लेवल है, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। अब ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के बारे में क्या जो है बेसिकली बातें हमको पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम के, आप डिटेल्स में पढ़ लेना दूसरे बुक्स में, किस लेवल पे पूछी जाती है, बहुत से ऐसे पॉइंट है जो जनरली एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, मैं वही बताऊंगा। पंचायत राज की जो स्थापना होती है वो घटना जो है हमारी हिंदुस्तान का जो आयन है या भारत के संविधान के कलम 40 के तहत जो है ये ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है, यानी कि आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना कौनत्या कलमा द्वारा के लिए जाती है, ये सवाल होता है, तो वो कलम 40 है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत जो है ये कहाँ पर होती है, अब ये सबसे छोटा स्तर होता है, ये भी सवाल, कनिष्ठ स्तर, सर्वात कनिष्ठ स्तर कौन था, तो वो है ग्राम पंचायत का, जो पंचायत राज का सबसे कनिष्ठ स्तर, तो वो है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कहाँ होती है, जनरली आप बिलोंग करते होंगे, मेरे तकरीबन सब्सक्राइबर शहरों से बिलोंग करते होंगे, तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली सुन लो, यानी ये समझने में, और इन फ्यूचर जब तुम बच्चों के पास जाएंगे, कई डीएड बीएड होल्डर, स्टैट होल्डर, एस्पायरेंट्स मेरे जो है सब्सक्राइबर है, जो कि एग्जाम दे रहे हैं वक्फ बोर्ड का, और बहुत से ऐसे भी जो दूसरे भी अपने जिला परिषद की भर्ती या आरोग्य विभाग की भर्ती या जो न्यायालय की भर्ती निकली है उसमें फॉर्म भरे होंगे, तो जो पंचायत राज ग्रामीण लेवल पर होता है, यानी कि देहाती लेवल पर होता है, पंचायत जो ग्राम पंचायत जो होती है, ये ग्राम पंचायत में सबसे मेन चीज़ जो है कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर होते हैं। ये क्यों, क्योंकि ये जो 7 और 17 मेंबर की जो तादाद जो तय की जाती है उस गांव के आबादी पर तय की जाती है। अब ग्राम पंचायत बनने के लिए, जब ग्राम पंचायत जो आर्टिकल 40 के तहत बन जाती है कि स्थापना उसकी कलम 40 के तहत होती है हमारे जो है संविधान के, लेकिन बनती कैसे है, ये बनती है डिपेंड्स ऑन उसकी पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर जिस जो है हमारे जिस गांव की आबादी 600 हो, वहाँ पर ग्राम पंचायत स्थापन की जा सकती है, यानी कि वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है, यानी कि मिनिमम उसको 600 की शर्त होती है। लेकिन अगर कोई गांव की आबादी 600 से कम है, यानी कि भाई 600 के अंदर है, किसी की 300 है, किसी की 200 है, 100 है, ऐसे, तो उसमें एक गट ग्राम पंचायत जो है बनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर 3 देहात लगे हुए, जिसमें से एक की 300 है, एक की 200 है, आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन
हमने जैसा पर्सनली, अब मैं खुद जो है देहात से है, बिलोंग करता हूँ जो जहाँ मैं रहता हूँ वो भी एक छोटा सा गांव है 2000 की आबादी वाला, लेकिन हमारे जो है गांव के आसपास में भी एक 200 घर वाले, 100 घर वाले, 50 घर वाले, इवन की 40 घर वाले भी जो है वाड़ी बस्ती होती है। तो ये दो तीन जो छोटे छोटे गाँव होते हैं इनको मिलाकर एक गठ ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो सवाल क्या पूछता है कि कितनी लोकसंख्या असली पाहिजे ग्राम पंचायत स्थापने साठी, तो वो होना 600 मिनिमम, लेकिन गट ग्राम पंचायत के लिए 600 से कम भी चलती है। और अगर डोंगरी भाग है, डोंगरी भाग कहते हैं जो जिसको हम कहते हैं डोंगर यानी पहाड़, पहाड़ों में रहने वाली जो वाड़िया बस्तियां हैं उनको 300 की शर्त है, और ऐसे मिलाकर एक से दो से तीन गाँव मिलाकर गट ग्राम पंचायत स्थापना की जाती है। इसका जो प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का वो कहलाता है सरपंच, जैसे कि आप जानते हैं। अब ये जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की जो आबादी की मैंने जैसा बोला शर्त है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं मैंने बोला कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 इतने होने चाहिए ग्राम पंचायत के मेंबर, तो ये किस बेस पर डिपेंड होते हैं, वहाँ की आबादी पर। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक कोई गांव है, अब 600 उसकी आबादी 600 से 1500 के अंदर है, तो उसको 7 मेंबर जो है दिए जाते हैं चुन के, 7 मेंबर ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हो, सरपंच होता है, उपसरपंच होता है और सदस्य होते हैं, ये तीन उसके लेवल होते हैं। अब जो चुना जाता है यानी कि किस बेस पर चुने जाते हैं मेंबर, वो चुने जाते हैं वहाँ के जो है लोकसंख्या के ऊपर यानी आबादी के ऊपर। अब इसमें कई ऐसे सवाल बनते हैं जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, इसमें ऐसे कई सैकड़ों सवाल बनते हैं जो जनरली क्लास 1 से लेकर तो क्लास 4 तक महाराष्ट्र में 100% पूछा जाता है, ये बात याद रखो। अब मैं उसको जो है टाइप भी बताते जाऊंगा कि कैसा, जैसा कि भाई सरपंचा की निवड़ कशी केली जाती है, तो वो पंचों में से सरपंच की निवड़ पहले की जाती थी, लेकिन अब जो है और जब ये सरकार बनी महाराष्ट्र में जो हम बोलेंगे शिंदे सरकार, तो इसमें और एक ऐसे ये वो सिस्टम लाया गया है जिसको हम बोलते हैं कि लोक नियुक्त सरपंच, यानी कि आपका जो जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होंगे वो सरपंच के लिए एक स्पेशल जो है जो जो जनता स्पेशल इसमें लोक नियुक्त सरपंच चुनेगी, पंच में से नहीं चुना जाएगा, पंच तय नहीं करेंगे। पहले क्या होता था 9 या 7 सदस्य चुन के आए, 11 सदस्य चुन के आए, तो उनके एक मत से एक जुटी से एक उनमें से सरपंच चुना जाता था। अब ऐसा नहीं है, स्पेशल सरपंच को चुनने के लिए भी एक अलग से लोकनियुक्त सरपंच चुनने के लिए अलग बैलेट जो है दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखो। अब 600 से 1500 के अंदर अगर आबादी है किसी गांव की, तो वहां 7 जो है मेंबर ग्राम पंचायत के चुने जाते हैं, ठीक है। ये बात, ये सवाल क्या सबसे, जैसा मैं बोल रहा हूं कि कितनी असावी कमीत कमी क्या बोलेंगे उसको सदस्य संख्या कितनी असते ग्राम पंचायत मध्ये, तर 700 आणि जास्तीत जास्त 1700 ये सवाल बनता है। इसके अलावा मैंने जो बोला गट ग्राम पंचायत की कितनी आबादी कितने से कम होना चाहिए, तो 600 से नीचे अगर है, 2-3 गांव मिलकर वो 600 आबादी बन गई, तो वो ग्राम पंचायत गट ग्राम पंचायत कहलाती है। अब जो सवाल बनता है कि भाई अगर किसी गांव की आबादी 600 है तो वहाँ कितने, 600 से 1500 है तो वहाँ कितने मेंबर चुनकर आते हैं, तो 707 मेंबर जो है वहाँ चुनकर आते हैं, और 1500 एक से अगर 3000, जैसा कि मेरे गांव की आबादी 2000 है यानी ये 3000 के अंदर है, तो यहाँ हमारे जो मेरे जो देहात में वो 9 मेंबर जो है चुनकर आते हैं, और जिसका 3000 एक से लेकर तो 4500, ठीक है, 3000 एक से लेकर अगर 4500 है तो वहाँ 11 मेंबर चुन के आते हैं, और 4500 एक से तो 6000 तक अगर आबादी है तो वहाँ 600 से 1500 तक जैसा 1500 एक से तो 3000 तक मैंने जैसे बोला 9 मेंबर, और 3000 एक से तो 4500 तक जो है 11 मेंबर, और 4500 एक से तो जिसको हम बोलेंगे 6000 के अंदर अगर आबादी है उस गांव की, ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहाँ जो है 13 मेंबर आते हैं, और उसके अलावा 6000 एक से तो 7500 तक अगर आबादी है तो वहाँ 15 मेंबर, और 7000 एक से 7500 से एक से यानी 7500 एक से ज़्यादा है उससे ऊपर कितने भी है तो 17 मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ 17 मेंबर होते हैं क्योंकि वहाँ की आबादी जो है 7500 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो है मोटी मोटी बातें हैं। अब इसमें होते हैं जो है सचिव, और जो मेन जो इसका होता है वो सचिव होता है। सचिव कौन होता है ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायती के सचिव कौन असतात, ये सवाल जनरली पूछा जाता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव कहलाता है ग्राम सेवक। ये जो है गवर्नमेंट का क्लास 3 का जो है अधिकारी या फिर कर्मचारी बोलेंगे, सॉरी इसको कर्मचारी बोलेंगे, इसको कई स्पॉट्स पर पश्चिम महाराष्ट्र में ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, विदर्भ में ग्राम सेवक बोला जाता है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज एक ही है लेकिन ये सचिव कहलाता है, ठीक है। इसमें सरपंच उपसरपंच मैंने बता दिया, सदस्य कैसे चुन के आते ये भी बता दिया, ये ग्राम पंचायत की मोटी मोटी बात है। अब आती है बात ग्राम सभा की, तो ग्राम सभाएं जो ली जाती है यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके कि ग्राम सभा किस तरीके से ली जाती है। सबसे पहले तो ग्राम सभा जो ली जाती है, ये जो प्रौढ़ मतदार होते हैं गाँव में, प्रौढ़ यानी जो बालिग मतदार होते हैं यानी कि जिसको वोटर्स, उन सबको यानी कि जो 18 प्लस होते हैं उन सबके मिला के पूरे गाँव वालों की ग्राम सभा होती है। और वो भी जो है ग्राम सभा होती है वो कब कब ली जाती है ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी उठकर ग्राम सभा ले सकते हैं, तो नियर अबाउट 4 जो है ग्राम सभाएं होती है, वो कब ली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो ग्राम सभा होती है वो कौन से घटना के तहत ली जाती है, घटना की कौन सी ऐसी दर्तूद है, कौन सी कलम है, तो 73वीं जो है घटना दुरुस्ती है जिसमें ग्राम सभा को घटनात्मक दर्जा दिया गया है। कौन त्या कलमानुसार
ग्राम सभेला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे तो वो है 73वीं घटना दुरुस्ती। इसके हिसाब से वो ग्राम सभा को घटनात्मक दर्जा मिला। पहले 6 ली जाती थी, अब सिर्फ 4 जो है ली जाती है। 2018 से पहले 6 ली जाती थी, 2018 में ऐसा जो है तरतूद की गई है कि अब वो 4 ली जाएंगी साल में। एक जो ग्राम सभा होंगी उसमें 3 महीने से ज्यादा फर्क ना हो, इसका भी उसको उसमें बंधन होता है। अब ये किस तारीख को ली जाती है? ये ली जाती है, देखो, जो हमारा 1 मई होता है महाराष्ट्र डे उस दिन, उसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। अब जो 2 अक्टूबर वाली जो घटना, जो ग्राम सभा है, इसको जो है 2018 के बाद से कैंसिल कर दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उससे पहले पहले एक ग्राम सभा। वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है हमारे जो है इंडिया में? वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मार्च एंडिंग जो जनरली हमारे पास जो जुमला आता है वो यही है, वित्तीय वर्ष यानी इकोनॉमिक ईयर खत्म होने से पहले एक ग्राम सभा लो, ऐसा बोला गया है। पहले 2 अक्टूबर को ली जाती थी, 2 अक्टूबर वाली 2018 से कैंसिल हो गई। इसमें भी कई ऐसी बातें हैं जो जनरली पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राम जो है पंचायत राज के स्तर से पूछे जाते हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। अब बात आती है सरपंच के कार्यकाल पर। इसका सरपंच का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। सरपंच का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर वो राजीनामा देना चाहता है तो उसकी एक चयन है। जैसा कि अगर कोई मेंबर है ग्राम पंचायत का, मेंबर और उपसरपंच जो अगर राजीनामा देना चाहते हैं यानी कि रिजाइन करना चाहते हो तो सरपंच के पास देते हैं। सरपंच को अगर राजीनामा देना है यानी कि रिजाइन करना है अपने पद से तो वो अपना जो है राजीनामा या रिजाइन जो है देता है पंचायत समिति के सभापति के पास। यानी इस तरीके की आगे चयन चलते जाती है। अब जो उम्र होनी चाहिए एक ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, उम्रों का ध्यान रखो तुम, ये जनरली मैं यहाँ चलते चलते बात करूँगा कि किस पद के लिए कितनी उम्र ज़रूरी है। तो 21 साल होना कंपलसरी है अगर आपको जो है सरपंच पद के लिए, आपको अगर खड़े रहना है तो 21 साल की उम्र होना जरूरी है। इसे हर चीज़ के लिए ध्यान में रखो। जैसे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर हमको बनना है तो हमको 25 साल की उम्र कंपलसरी, अगर हमको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल से कम उम्र उसकी ना हो, अगर हमको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल से उसकी उम्र कम ना हो, 30 साल, अगर हमको लोकसभा का सदस्य यानी कि MP बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो 25 साल, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वही बनता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हमारे सरपंच के लिए जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 21 साल होना ज़रूरी है। अब बात आती है दूसरा टप्पा पंचायत राज व्यवस्था का, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की एक बहुत अहम जो है कड़ी है। अब जो ये तालुका स्तर पर होती है यानी कि जो तालुका प्लेस होता है वहाँ पर ये पंचायत समिति होती है, हम ये बात हमको पता है। इसके अलावा जो है ये जो पंचायत समिति की जो स्थापना होती है आर्टिकल 56 यानी कि कलम 56 के अनुसार इसकी जो है स्थापना होती है किसी भी पंचायत समिति की। अब अगर बात की जाए तो इसके जो सदस्य चुने जाते हैं तो वो हर दर 20,000 लोकसंख्या में आगे एक सदस्य पंचायत समिति वर निवडून जातो। यानी कि पंचायत समिति की जब के जो सदस्य की निवड़ होती है वो हर 20,000 लोकसंख्या के ऊपर एक इस तरीके से वो चुना जाता है। इसके अलावा जो इसका जो मेन होता है वो सभापति कहलाता है और इसका जो सेकंड लेवल का जो मेन जिसको हम बोलेंगे पदाधिकारी होता है वो उपसभापति कहलाता है। अब जो पंचायत समिति का जो के सभापति का कार्यकाल जनरली जो है 5 साल का नहीं होता बल्कि 2.5 साल का, 2.5 साल का उपसभापति का और 2.5 साल का जो है सभापति का। अब इनका अगर कार्यकाल बढ़ाना है तो इसका अधिकार है राज्य शासन को। अब अपना टॉपिक है पंचायत राज जो व्यवस्था है उसका दूसरा स्तर जिसको हम बोलेंगे पंचायत समिति। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 56 के तहत किसी भी तालुका लेवल पर यानी कि किसी भी तालुके के लिए पंचायत समिति की स्थापना की जाती है, जिसको हम तालुका पातड़ी कहते हैं। अब जो ये पंचायत समिति की स्थापना होती है आर्टिकल 56 के तहत होती है। ये जिला परिषद को और ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली अहम कड़ी है। जिला परिषद यानी ग्राम पंचायत जोड़ना महत्वाचार दुआ कौन सा अस्तो ऐसा जो है प्रश्न पूछा जाता है तो वो है पंचायत समिति। अब जो बात की जाती है हर 20,000 लोकसंख्या के पीछे एक जो है पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है। पंचायत समिति का जो है मुखिया जो कहलाता है वो है सभापति और जो सेकंड लेवल का पदाधिकारी होता है वो उपसभापति। अब जो इसमें जो सचिव होता है जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच उपसरपंच और ग्राम सेवक ये ऐसा होता है, वैसे यहाँ पर सभापति उपसभापति और जो है बीडीओ जो है यहाँ का जो है पंचायत समिति लेवल का जो अधिकारी होता है, जो हमारे महाराष्ट्र शासन का अधिकारी होता है क्लास 1 का, तो क्लास 1 और या फिर अपर क्लास सुपर क्लास 2 का जो है ये अधिकारी होता है। तो ये सचिव कहलाता है, कहाँ का? पंचायत समिति का सचिव। पंचायत समिति का सचिव कौन आते तो ये सवाल जब पूछा जाता है तो उसको कहते हैं गट विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम आमतौर पर BDO कहते हैं। अब मैंने लोकसंख्या का भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब इसका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, पंचायत समिति का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है, लेकिन पंचायत समिति के सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 2.5 साल का होता है। उनमें ऐसा होता है कि जो 2.5 साल ये जो है शख्स बैठेगा और 2.5 साल दूसरा शख्स, इस तरीके का उनका जो है कार्यकाल होता है उपसभापति और सभापति। लेकिन पंचायत समिति की जब इलेक्शन होते हैं तो वो 5 साल के ही लिए होते हैं, यानी कि वो 5 वार्षिक ही होते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ राजीनामा यानी कि अगर रेजिग्नेशन करना है उसको वक्त से पहले पंचायत समिति के सभापति को जो करना है, उपसभापति को करना है वगैरह, अगर
सॉरी जो पंचायत समिति के, हाँ पंचायत समिति के अगर सदस्य अपना राजीनामा देना चाहता है तो वो सदस्य और उपसभापति देगा अपना जो है रेजिग्नेशन किसके पास, सभापति के पास। लेकिन सभापति को अगर अपना जो है इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा पेश करता है जिला परिषद के अध्यक्ष की तरफ। ऐसी ये कड़ी आगे बढ़ती जाती है, जैसा मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने समझाया आपको वो ही तरीके से अब हम आए हैं पंचायत समिति पे। अब अगर मैं बात करूं, अगर इसको हटाना है किसको, हमारा जो सभापति होता है पंचायत समिति का, इसको अपने को पद से हटा देना है तो उसके भी लिए तरतूद है जिसको हम बोलते हैं कलम 73। वहाँ 73 अलग थी, यहाँ 73 अगर वो उसके काम में अगर कोई दोष आता है वगैरह वगैरह, जिसको हम बोलते हैं अविश्वास ठहराव पेश करना, ये एक सिस्टमैटिक जो चीज़ें होती है एकदम डायरेक्ट नहीं हटा सकते, तो उसी तरीके से यह 73 के हिसाब से हम उसको हटा सकते हैं किसको, जो पंचायत समिति का सभापति होता है उसको। अब इसके अलावा यहाँ पर जो सभा होते हैं, इसके जो सभा होते हैं पंचायत समिति के सभा होते हैं, इसके लिए कलम 117 के हिसाब से पंचायत समिति के जो सभा होते हैं, जैसे हम ग्राम सभा पकड़े वैसे ग्राम पंचायत समिति की भी सभा होनी चाहिए कलम 117 के अनुसार। पंचायत समितीच्या दोन सभामध्ये एक महिन्यापेक्षा अंतर असू नये, एक महीने से ज़्यादा उसमें अंतर होना नहीं चाहिए, एक महीने से ज़्यादा जो है उसमें फासला होना नहीं चाहिए, म्हणजे प्रत्येक महिन्यात पंचायत समितीची किमान एक बैठक होणे आवश्यक आहे, यानी कि हर महीने में एक बैठक होना पंचायत समिति की एक कंपल्सरी है। अब उसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ें हैं ये तो पूछना ही पूछना है, कलम भी पूछ सकता है वो, उसके बाद में है कि पंचायत समिति का एखादा सदस्य परवानगी बिना सतत व सलग 3 महीने वो परवानगी सह सतत व सलग 6 महीने सभांना गैरहजर राहिले असते त्याचे सदस्यत्व, यानी कि अगर कोई पंचायत समिति का सदस्य है अगर वो बगैर बोले 3 महीने गैरहजर रहता है, यानी बगैर परमिशन लिए 3 महीने और परमिशन लेकर अगर 6 महीने गैरहाजिर रहता है तो उसका जो सदस्यत्व है यानी उसकी जो मेंबरशिप है वो संपुष्ट में, यानी कि वो उसको जैसा उस पद को छोड़ना पड़ सकता है ऐसा उसका जो है मतलब है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती है वो सेम टू सेम जैसा जैसा ग्राम पंचायत का लेवल होता है वैसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं। अब हमारा जो बता दी मैंने गढ़ विकास अधिकारी यानी वीडियो के बारे में भी बता दिया कि ये जो है क्लास 1 का जो है ये क्लास 2 के जो अधिकारी होते हैं और ये जो है सचिव होते हैं सेक्रेटरी होते हैं पंचायत समिति के। अब हम देखेंगे जिला परिषद। अब हमारा तीसरा टॉपिक है पंचायत राज व्यवस्था का जिला परिषद। जिला परिषद आप तमाम को पता होगा जिला परिषद की जो स्थापना होती है जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल जो है 6 के कलम 6 के हिसाब से जो है हर जिले के लिए एक जिला परिषद की स्थापना होती है। महाराष्ट्र में जो है टोटल 36 जिले हैं लेकिन 34 ही जिला परिषद है क्योंकि मुंबई में और मुंबई उपनगर में जो है जिला परिषद नहीं है। हमारा जो 34 जो जिला परिषद है उसमें सबसे नई जो जिला परिषद है वो है पालघर जिला परिषद, यानी कि 34वीं जिला परिषद और सबसे नया जो है जिला वो पालघर ही है। अब मुंबई उपनगर और मुंबई को छोड़ दिया, मुंबई शहर को छोड़ दिया जाए तो वहाँ जो है दो जिला जगह पे जिला परिषद नहीं है, बाकी 34 जो है जिला परिषद हमारे पास है। अब इसकी जो सदस्य संख्या जो होती है जिला परिषद की वो होती है 50 से लेकर 75, ठीक है 50 से 75 इसकी लोक जो सदस्य संख्या होती है और ये अलग अलग तरीके से जैसा कि पंचायत समिति से वगैरह से जो चुन के जाते हैं वो ऊपर जो है स्पेशल इनके लिए। अब जो इलेक्शन होता है ये 5 साल के लिए जिला परिषद होती है, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत पंचायत समिति सब 5 साल के ही लिए होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो सदस्य संख्या है वो 50 से 75 होती है। अब इसमें जो है एक जिला परिषद अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है और इनके जो सचिव होते हैं यानी कि जिला परिषद का सचिव कौन आस्तो, ये जो सवाल जनरली पूछा जाता है तो जिला परिषद का जो सचिव कहलाता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO जो साहब होते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं सेक्रेटरी कहलाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सवाल है। अब जो है कई जो है तालुके मिलकर एक जिला परिषद बनती है, जैसा कई देहात मिलकर एक तालुका बनता है, कई तालुके मिलकर एक जिला बनता है और वो जिला परिषद बनती है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं को जो जिला परिषदों की जो सभा होती है ये जिला परिषदों की सभा के लिए तरतूद की गई है 111 कलम 111 के हिसाब से जिला परिषदों की जो है क्या होती है जो सभाएं होती है। अब ये बैठक के अंदर जब ये सभा होती है तो 3 महीने के अंदर किमान 3 महीने के दर 3 महीने यानी जिला परिषद की किमान एक बैठक होनी आवश्यक है, हर 3 महीने में एक जो है बैठक होना जरूरी है ऐसा उसमें बताया गया है। अब इसको अगर बात की जाए सबसे मेन जो है समिति की किसके जिला परिषद की सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी होती है या जिला परिषद की सर्वात जो है सर्वात क्या बोलेंगे उसको इंपॉर्टेंट मुख्य ये समिति असते थे कौन सी असते ये इसी यही ठहराती है बहुत सी चीज़ें उसको कहते हैं स्टैंडिंग कमिटी या स्थाई समिति। तो स्थाई समिति में टोटल 14 जो है मेंबर होते हैं, ठीक है 14 मेंबर होते हैं स्थाई समिति में और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है समिति होती है। इसका जो अध्यक्ष है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है और इसका जो है क्या बोलेंगे सचिव जिला परिषद के स्थायी समिति का सचिव डिप्टी CEO यानी कि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इसके सचिव होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सचिव कौन आता है ये जो है सवाल है, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन आता तो वो है जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं। अब इनका कार्यकाल जनरली हमको पता है कि 5 साल के लिए होता है लेकिन जो इनका जो मामला होता है कि 2.5 साल ये और 2.5 साल वो इस तरीके का होता है लेकिन जब जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं 5 साल के ही लिए होते हैं। अब अगर बात की जाए इनके जो है राजीनामे की यानी कि ये जो अपना राजीनामा देते हैं तो जिला परिषद के जो सदस्य और उपाध्यक्ष
ये किसको देते हैं, अध्यक्ष को अपना राजीनामा देते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है, खास बात जिला परिषद के अध्यक्ष को एक मंत्री जैसा। तो इनका जो मानदान होता है अध्यक्ष का वो 20,000 होता है, उपाध्यक्ष का 16,000 होता है, यानी कि जो इनकी पेमेंट होती है। इसके अलावा अगर अध्यक्ष अपना राजीनामा देना ही चाहता है वक्त से पहले, तो वो जो है कमिश्नर साहब को, यानी कि जिसको हम बोलेंगे जो आयुक्त होते हैं, कई जिले मिलकर एक आयुक्त जो बनते हैं उनके लिए, उनके पास ये दे सकते हैं अपना राजीनामा। ये बहुत सी मोटी मोटी बातें मैंने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की आपको। इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए वक्फ बोर्ड की भर्ती वालों के लिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी वालों के लिए मेरा वीडियो था। और भी मैं आगे वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आज भी करूँगा और कल भी अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर मुझे जरूर कीजिएगा। वक्फ बोर्ड वाले या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले इस वीडियो को, पंचायत राज व्यवस्था को इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।